दोस्तों, बचपन की एक गलती की वजह से कभी कभी इंसान को पूरी जिंदगी पछताना पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ वाकया 1977 ईस्वी में ब्रिस्टोन के एक व्यक्ति के साथ हुआ। जब ये महाशय 47 साल के थे तो उस समय उन्हें पता चला इन्हें फेफड़े का कैंसर है। तंबाकू धूम्रपान के सेवन की वजह से कई सालों से खांसी अक्सर आती थी, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे खांसी भी बढ़ती गई। जब उस व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा तेज निमोनिया हुआ और पीले बलगम की भी खांसी आने लगी तो उस व्यक्ति ने फेफड़ों का सीटी स्कैन करवाया तो इस रिपोर्ट में डॉक्टरों को फेफड़े के अंदर कुछ ट्यूमर जैसा दिखा। लेकिन जब डॉक्टरों ने ब्रांकोस्कोपी की, इसे ब्रांचोस्कोपी भी बोल सकते हैं, यानी कि कैमरा लगी हुई पाइप डालकर देखा फेफड़े के अंदर, तो यह पता चला कि यह ट्यूमर नहीं बल्कि प्ले मोबाइल ट्रैफिक कोन थी जो 40 साल पहले बचपन में उसके फेफड़े में चली गई थी। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि बचपन की एक गलती की वजह से कभी कभी पूरी जिंदगी पछताना पड़ जाता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।